हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि EZ VIZ में कैमरे में रिकॉर्डिंग कंटिन्यूस कैसे करें, क्योंकि कई क्वेश्चंस और कई कमेंट मेरे पास ऐसे आए थे कि सर हम अगर प्लेबैक देखते हैं तो वो कट कट आता है, क्लिप्स आती हैं, पूरी रेगुलर वीडियो नहीं आती, वो क्लिप्स आती हैं, जब कोई हिलता जब भी वीडियो आती है। तो ये मेमोरी कार्ड कैमरे होते हैं तो जिस वजह से ये आपको क्लिप 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 दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसमें कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मेरी मोबाइल स्क्रीन पे। ये मैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पे आ गए। सबसे पहले मैं अपनी ऐप ओपन कर लेता हूँ, EZ VIZ ऐप ओपन कर ली मैंने। मैं आपको डेमो दे रहा हूँ तो मैं कोई भी कैमरा एक आपको दिखाऊंगा। ये मैं ये वाला कैमरा ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा नीचे आप देख रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग दिख रही है आपको, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग की क्लिप्स जो आपको दिखती हैं आपके फोन में आपको दिखती होंगी। डेट चेंज करके देखते हैं कि डेट चेंज करने पे अगर सही आ रही है, पर आपको अभी हर जगह ये ऐसी क्लिप ही दिखेंगी, कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग नहीं दिखेंगी। अब इसे कंटिन्यू करने के लिए क्या करें, क्योंकि ये मूवमेंटेबल होता है, तो हम क्या करेंगे, कैमरे को ओपन करेंगे, कैमरे की सेटिंग में जाएंगे और स्टोरेज में जाएंगे। मेमोरी कार्ड देख लीजिए आपको कितना GB है, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो उस पर जाएंगे, नीचे लिखा है ऑल डे, इसे इनेबल कर देंगे। तो अब जो रिकॉर्डिंग है आपकी ये कंटिन्यूस हो रही है, मतलब हर पल रिकॉर्ड हो रहा है, कोई हिले ना हिले जब भी ये रिकॉर्ड हो रहा है। अभी आप कुछ देर बाद आधे घंटे दो घंटे बाद देखेंगे तो उसमें रिकॉर्डिंग जो आएगी वो कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग आएगी। बट इसमें क्या होता है, आपका मेमोरी कार्ड ज़्यादा लगता है, आपका मेमोरी कार्ड करीबन 128 GB से 256 GB होना चाहिए जब आप ये करें, नहीं तो आपको ये जल्दी जल्दी मेमोरी कार्ड भरेगा, आपकी रिकॉर्डिंग ज़्यादा हो नहीं पाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट और व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।